ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कजरी तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है, साथ ही साथ इस दिन है शनिवार का पावन सा दिन, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है ना। आज के टाइम पे क्या है ना कि इंसान परेशान होता है, भैया हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, हमने इतने पूजा पाठ कर लिए, हम बहुत पाठ करते हैं फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको तिल के दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे शनि भगवान बहुत खुश होंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, कैसे करना है इस पूरे उपाय को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, दिख रहा है ना, हमें लेना होगा कुछ इस तरीके से खड़ी हल्दी, और इस खड़ी हल्दी को पीस लेना, कूट लेना और ऐसे पाउडर के फॉर्म में निकाल लेना। ठीक है, निकाल लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल, स्क्रीन पर लिखा था 21 दाने। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 21 ही लो, आप 21 ले सकते हो, 51 ले सकते हो, 101 ले सकते हो, या फिर एक चम्मच ले लो, अपने अकॉर्डिंग जितना ले सकते हो लेना। उसके बाद क्या करेंगे, इस काले तिल में जो हल्दी का आपने पाउडर बनाया है इसको मिक्स करेंगे, यानी कि जो काला वाला तिल है इसको पीला कर देना। क्या करोगे, पीला कर देना, और इसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके लाइफ में जो कुछ भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, उस कामना उस इच्छा से श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर, एक बार फिर से बोल रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को हल्दी के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यहीं पे काफी लोग डाउट में होंगे, भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। तो देखो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जो भी चीजें मैं गुरुजी की कथा में सुनता हूं वही आपको बताता हूं। ठीक है, तो आप भरोसा रखें, विश्वास के साथ उपाय को करेंगे। ठीक है, तो हल्दी वाला जो काला तिल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, अपनी कामना कह देना, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित जरूर करना। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अपने पहले उपाय की, जो कि आपको अपनी कामना करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। यहीं पर आपको पता है कजरी तीज के साथ ही साथ आपका शनिवार का पावन सा दिन पड़ रहा है, जो कि शनि भगवान का दिन होता है। इस दिन हमें कोई ना कोई काली चीज का दान करना चाहिए जिससे शनि ग्रह हमें कभी भी परेशान नहीं करते। अब वो काली चीज, कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई बहुत अच्छी सी बड़ी सी चीज दान करनी, नहीं, आप चाहें तो काला उरद दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं, कुछ भी काला जो भी आपके पास में मतलब नजर हो, कुछ खरीद सकते हो, काला छाता है, कुछ भी है, वो चीजें दान करनी चाहिए। इससे जो शनि की जो प्रभाव होता है ना हमारे घर में वो पड़ता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर शनिवार नहीं करना चाहिए, गिन करके 2 से 4 शनिवार करके देख लीजिए, आपके घर की जो शनि की जो छाया होगी, खराब छाया, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, करके देखिएगा। तो कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।